हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय साई राम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मम्मी की रेसिपी। मम्मी की रेसिपी भी नहीं बोल सकते, वो एक चीज़ों से समझ में बनती है जो मम्मी बना रही है अभी पापड़। तो मैंने सोचा कि एक शूट ले लूँ तो एक व्लॉग बन जाएगा और आपको देखने भी मिल जाएगा कि पापड़ कैसे बनाते हैं। तो आधी प्रोसेस हो चुकी थी, मुझे अभी मेरी ट्यूबलाइट जली है, तो मैं सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ मम्मी कैसे बना रही है पापड़। तो चलो मेरे साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन रहा है कुरोड़ी का, अभी क्या बोलते हैं मम्मी इसको, आटा। कुरोड़ी का आटा, क्या आटा क्या बोलते हैं, चीक बन रहा है। तो ये इसको बहुत ठीक ठीक तरीके से इसको घुमाना पड़ता है और बहुत ये ना ज्यादा पतला भी नहीं करना पड़ता है, बट इसमें मेहनत बहुत लगती है जो मेरी मम्मी ही कर सकती है सिर्फ। मेरी मम्मी ऐसे हंस रही है। तो देखिए इसको बहुत मेहनत लगती है, इसको बहुत अच्छे तरीके से घोटना पड़ता है। तो अभी मम्मी वही कर रही है। मम्मी ने बोला कि सुबह हम लोग जल्दी उठते नहीं, इसलिए मैं रात को इन लोग से पूरा काम करवा लेती हूँ। तो फिर अभी मम्मी रात में ये पूरी तैयारी कर रही है और दीदी इसमें मेहनत करने वाली है थोड़ी सी, और थोड़ी सी मेहनत मैं करने वाली हूँ क्योंकि इसमें जो मेहनत लगती है वो कुरोड़ी घुमाने के लिए लगती है। साँचे में भर के दी है और दीदी डाल रही है अभी कुरोड़ी इस तरीके से। तो इसे बहुत प्रेस करना पड़ता है और बहुत मेहनत लगती है इसको करने में, बट ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हम लोग इसकी वेट करते हैं ये कब खत्म होगा और इसके नीचे का हम लोग कब खाएं। तो देखो ये दीदी अभी इसे प्रेस कर रही है और मम्मी यहाँ पे दूसरा रेडी कर रही है क्योंकि बहुत गर्म है बनाने के लिए। तो एक साँचे में बने अभी कितने, 3, 3, 6 और 1, 7, तो 7 कुरोड़ी अभी इसमें बने हुए हैं। सो देखते हैं अब कितने बनते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पापड़ बनके तो रेडी हो चुका है। अब ये सूखने के लिए रखा हुआ है, कल इसे धूप में रखेंगे और अभी हमने इसे पैन में रखा हुआ है। तो जितना भी मम्मी ने जो बैटर बनाया था उसका ये 3 पर्रा जो बोलते हैं ना, ये 2.5 पर्रा, ये छोटा है ये वाला, और ये दो बड़े वाले पट्टा जिसे बोलते हैं वो लकड़ी का जो होता है, तो उसमें रखा हुआ है। तो अभी ये तो बन गया, इसके बाद जो मैंने बोला था कि हम लोग बहुत वेट करते हैं वो गंज का, जैसे जब पूरा बैटर ख़त्म हो जाता है पापड़ बना के हो जाता है, तो जो लास्ट में बचता है गंज में वो बताने के पहले ही हम लोग ने सारा ख़त्म कर दिया। सोचा था उसका एक वीडियो शूट लूँगी बट वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने उसका कुछ लिया नहीं, हम लोग ने खा लिया। एक्चुअली हम चारों बहुत झगड़ते थे, हम चारों सिस्टर थे जो बहुत झगड़ते थे। अब दो की तो शादी हो चुकी है तो वो अपने अपने घर पर है, बट हम दो है वो अभी भी हम लोग झगड़ झगड़ के ही खा रहे थे उसे। तो अब वो ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं चलती हूँ। खाना तो वैसे कुछ बनाना नहीं था, दोपहर का ही रखा हुआ था, तो मम्मी ने बोला कि दाल फ्राई कर लो, तो मैं अभी दाल फ्राई करने जा रही हूँ जो मैं आपको बताऊँगी। और दाल फ्राई जो मैं बनाने वाली हूँ मेरे पापा के स्टाइल का है। मेरे पापा बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, बहुत ज़्यादा, नॉनवेज से बहुत ज़्यादा टेस्टी। आधा खाना तो मैंने उन्हीं से सीखा और आधा मैंने दीदी से सीखा है और बहुत कुछ मैंने मम्मी से भी सीखा है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ दाल फ्राई पापा के स्टाइल का। इतना टेस्टी तो नहीं बनाऊँगी जितना पापा का टेस्ट आता है, बट सिमिलर मैं बना लेती हूँ पापा के स्टाइल में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अभी कि मैं दाल फ्राई कैसे बनाती हूँ पापा के स्टाइल में। तो चलो मेरे साथ। टिंग 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 टिंग। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो यूज़ किया था वो कड़ी पत्ता था, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर से कट करके रख दिया था, और ये जो थी वो सादी दाल थी। तो अब तेल गर्म हो चुका था जिसमें मैंने राई और जीरा डाल के रख दिया था। देन उसमें अभी डाला है लहसुन, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, प्याज। इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे डार्क ब्राउन होने तक का, मतलब ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक का भूनेंगे अच्छे तरीके से। और फिर इसमें डालेंगे हम मसाला, सॉरी टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे हल्का सा भूनेंगे, देन फिर इसमें डालेंगे हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला और धनिया पाउडर। इसे डाल के अच्छे तरीके से भूनेंगे, मसाले को पकने देंगे, देन डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हल्का सा शक्कर जो मैं हर इसमें डालती हूँ। तो अब डालने के बाद ये मसाला पक चुका है, तब इसमें हम डाले हैं सादी दाल। तो देखिए अब हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब दाल रेडी तो हो चुकी थी तो भूख भी लग गई थी, तो फिर हम अभी डिनर कर रहे थे। तो देखिए हमारी थाली दाल चावल गोडांबा और अचार के साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई वापस। तो मैं ये बता रही हूँ अभी आपको कि अभी तो मैंने जब भी ब्लॉग एंड नहीं किया था तो सोचा अभी आप लोग से बात कर लूँ और ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो मैं इसके पहले थोड़ा बता देती हूँ कि अभी बज रहा है, कितना बज रहा है, 1:37 हो रहा है
और मैं कर रही हूँ एडिटिंग। एडिटिंग करने में बैठा था तो बैठी थी, मेरे मुँह से निकल जाता है बैठा था, तो मैं बैठी थी अभी एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग करने में इसलिए मैं रात में एडिटिंग करती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसा करते होंगे, क्योंकि रात में कैसे माहौल पूरा शांत हो जाता है, घर के सब लोग सो जाते हैं, सब साइलेंट हो जाता है, तो उसके बाद कैसे वॉइस ओवर करने में थोड़ा इजी जाता है, तो इसीलिए मैं रात में ही एडिटिंग करती हूँ। और एडिटिंग तो मुझे वैसे ज़्यादा आती नहीं है, आती ही नहीं थी मुझे, बट मैं देख देख के सीख रही हूँ अभी, और वैसे वैसे मैं अपने आप में इम्प्रूव कर रही हूँ और अपने वीडियोज़ में भी इम्प्रूव कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना और सपोर्ट करना मुझे, और जहाँ मेरी गलती होती है वहाँ मुझे बताना कि कहाँ गलती होती है, मुझे कमेंट्स बताना कि कहाँ गलती होती है, ताकि मैं फिर वैसे अपने वीडियोस को इम्प्रूव करूँगी और अपने एडिटिंग में भी इम्प्रूव करूँगी। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो अभी कोशिश है मेरी अच्छी, तो मैं अभी वैसे ही अपनी कोशिश बनाए रखूँगी करने की। तो वही मैं बता रही थी कि अभी घर पे सब लोग सो गए थे तो मैं एडिटिंग कर रही थी, तो मुझे याद आया कि मैंने वीडियो क्लोज नहीं किया था, तो मैं अभी ब्लॉग अपना एंड कर लेती हूँ और आप लोग से बात भी कर लेती हूँ और आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे एडिटिंग करने बैठी हूँ। तो देखिए अभी मैंने अपनी डायरी और फ़ोन लेके बैठा हुआ है और वीडियो मेरी मैंने एडिटिंग कर लिया। एक वीडियो मैं एक्चुअली दो वीडियो अभी अपलोड करने वाली हूँ, तो एक वीडियो अपलोड होने का है, मतलब एक्सप्लोर एडिटिंग होके कंप्लीट हुआ है, वो एक्सप्लोर हो रहा है, सेकंड वीडियो अभी एडिट होने का है, तो मैं उसे करूँगी। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था कि मुझे थोड़ा लेट हो जाता है सोने के लिए भी, और मुझे 2-3 बज जाते हैं, पता नहीं, मैं जल्दी करने की कोशिश भी करती हूँ, इतना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिससे मुझे लेट हो जाता है, और 3 तो बजता ही बजता है किसी भी हालत में, मैं कितना भी जल्दी करने की कोशिश करूँगी तो भी 3 बज जाता है। तो बस वही है, अभी मैं सेकेंड वीडियो अपलोड मतलब एडिटिंग करने की, तो जल्दी अगर ये एक्सप्लोर हो जाएगा, तो मैंने पहले बोला था कि मैं मम्मी के मोबाइल से एडिटिंग करती हूँ, तो मतलब वीडियो भी उन्हीं से ही शूट करती हूँ, और मेरा जो ये फ़ोन है वो पता नहीं बहुत प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, और नए फ़ोन की तो उम्मीद अभी मैं कर ही नहीं सकती बिल्कुल भी, और ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। तो अभी मैं मम्मी के से ही अभी वीडियोज़ बनाती हूँ, तो अभी उसमें मैंने एक्सप्लोरिंग के लिए डाला है, तो सोचा मैं आप लोग से बात कर लूँ और अपना वीडियो क्लोज करती हूँ, मतलब एंड करती हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, छोटा सा ही वीडियो था, मैंने ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं था वीडियो का, जस्ट वो हो गया, मम्मी बना रही थी पापड़, तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दो कि मम्मी कैसे बना रही है पापड़, तो जस्ट मैंने पटाख से वैसे शूट ले लिया, तो ज़्यादा बड़ा तो ये शूट था नहीं, मतलब छोटा सा ही था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग भी बनाते होंगे ये पापड़, आप लोग को भी पता होगा किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए रहेगा पूरा A to Z रेसिपी अगर चाहिए होगा इसका स्टार्टिंग टू एंड तक का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट से बताइएगा, मैं मम्मी से बोल के वापस से ये करवाऊँगी, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको इसका वीडियो चाहिए तो मम्मी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी ये करने के लिए। सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग ये वीडियोज़ का मतलब रेसिपी चाहते हो, तो कमेंट्स करिएगा मुझे, एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, ज़्यादा बड़ा तो था नहीं, छोटा सा ही था, तो बस इतना ही मैं ऐसे रखती हूँ, और इसका आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिलीज़ का ध्यान रखिए, जय श्री राम, बाय बाय।